सो आई एम ऑल रेडी एंड स्टेडी एंड आज मैंने प्रतीक के साथ प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे मूवी देखने भोला। एंड प्रतीक अभी तक नहा नहीं रहा है। अब जैसे ही कैमरे के आगे आता है तो कैसे करोगे बताओ, कैमरे आगे लोग कैसे करते हैं बताओ। नॉर्मली एक्ट करो ना। तो नॉर्मली यही है ना, मेरा कैमरे के आगे नॉर्मली यही है मेरे। देखो मेरे पास एम्पायर डीते है, देखो वो तो है ही। और भी रात में और डेंजरस हो जाते हैं। वेरी 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 डेंजरस। तुम्हें कहीं है दिखा है निशान? इसमें नहीं निशान दिखा है ना रात में तुम। अच्छा और वो करती हो ना। ओके बहुत बेस्ट हो गया। मैं अच्छे से रेडी होते हैं, लेट्स गो। हाउ मी? अरे सुनो मैं बनाई थी रसोई में, प्लीज टमाटर मंगा दो। खत्म हो गए? खत्म हो गए हैं। ठीक है ओके, जल्दी मंगाना। हाँ तुरंत आ जाएगा। हाँ सो गाइज, मैं तो अपनी आधे से ज़्यादा पेमेंट्स ऑनलाइन करना प्रेफर करती हूँ। चाहे मुझे बाहर से ग्रोसरी मंगानी हो, मेडिसिंस मंगानी हो, क्लोथ्स ऑर्डर करने हो, बाहर का खाना मंगाना हो या फिर बाहर जाके खाना हो, मेरे लिए सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट मोड कंफर्टेबल रहता है। तो प्रॉब्लम तब आती है जब आपको इन छोटी बड़ी पेमेंट्स का हिसाब रखना होता है। सो इसको अवॉइड करने के लिए आई हैव कम अक्रॉस दिस अमेजिंग एप्लीकेशन विच इज़ फ्री चार्ज पे लेटर। सो यू कैन जस्ट विथ वन टैप डू ऑल ऑफ योर पेमेंट्स फ्रॉम दिस फ्री चार्ज पे लेटर एप्लीकेशन विदाउट एनी CVV एंड OTP। सो ये बहुत ही ज्यादा हैसल फ्री है एंड इससे आपके सारे जो भी आपके छोटी बड़ी पेमेंट्स है एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट ऑल योर ट्रांजेक्शंस एट द एंड ऑफ द मंथ। सो है ना अमेजिंग। यही नहीं, आपको मिलेंगे अमेजिंग कैशबैक ऑफर्स फ्रॉम फेमस ब्रांड्स लाइक मिंत्रा, स्विगी, जोमैटो एट्सेट्रा। सो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड आई थिंक आई ऑल्सो लव द एप्लीकेशन बिकॉज ये काफ़ी हैसल फ्री है। सो आई हैव मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो गाइज, आज मैं होने वाली हूँ एक बहुत ही बोहो स्टाइल में रेडी। जल्दी से मैं दिखा देती हूँ आज के लिए मेरा आउटफिट क्या होगा। तो गाइस ये मैं पहना है चिकनकारी छोटी छोटी कुर्ती एंड इट इज लुकिंग सो गुड। गेस करो कहाँ से लिया है। जो मेरा व्लॉग रेगुलर देखते होंगे सिर्फ उनको बताऊंगी मैंने कहाँ से और कब लिया और कैसे लिया। सो ये आपको बताना है। सो गाइस मेरे को बहुत टाइम लग गया है बिकॉज मैं नोज पिन मंगाई थी। आपने मेरा अनुष्का शर्मा वाला शॉर्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने नोज रिंग मंगाई थी, वो पता नहीं कहाँ खो गई है। मैंने इतना ढूंढा मुझे मिली नहीं है। सो एनीवेज मैं बहुत ही हल्का सा मेकअप करने वाली हूँ। अब मैं पहन ली ये प्यारे प्यारे टॉप्स। किधर अच्छा लग रहा है ना, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल लिप ग्लॉस। ठहराओ मैंने लगाई है एक ब्लैक बिंदी एंड कैरिंग दिस पर्स अलोंग विद दिस एंड ये है मेरा होल लुक फॉर टुडे। सो मैं पहली बार इसे छोटी सी ब्लैक बिंदी लगा के जा रही हूँ, फीलिंग वेरी पोहो काइंड ऑफ वाइब। सो यस दैट्स इट, टुडे इज OOTD, लेट्स गो। सो आज जो वेदर चेंज हुआ है ना, इतना ड्रास्टिक कि सुबह इतना अमेजिंग वेदर था, अब इतनी धूप आ गई ना, इतनी गंदी धूप आ गई है कि मैं क्या बताऊं। एनीवेज इट इज व्हाट इट इज। प्रतीक मैंने तुम्हें आज लुक कैसा लग रहा है? स्मार्ट। एंड मैंने आज ब्लैक बिंदी भी लगाई है। तुम्हें मुझे देखा ही नहीं है, तुम मुझे देखा क्या नहीं? प्रतीक मैंने देखा है, तो छोटी बिंदी होती है तुम। गाइस देखो आपके पति भी ऐसी हैं, कोई नोटिस ही नहीं करता है ये। यार मैं अभी तो बिंदी लगाई होगी ना गाड़ी बैठे रहे। वाह 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 वाह, गाड़ी में बैठूंगी और मैं बिंदी ऊपर से नहीं लगा के आऊंगी, गाड़ी में बैठ के बिंदी लगाऊंगी। So guys, we are at Starbucks and 2340. मैंने लंच नहीं किया था तो मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सैंडविच खाया। वैसे तो हम लोग का प्लान था एक न्यू जगह जाने का, बट हम गए नहीं बिकॉज प्रतीक वाज लाइक एक ही जगह चलो, ऑल दैट क्रैंकीनेस। सो आई एम हैविंग दिस कैफे मोका। बाय। कुछ मेरी बिंदी पे ध्यान दिया करो तुम। हम लोग आ गए हैं भोला मूवी देख के एंड द वेदर इज सो गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा दूं, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। क्या स्लिप इधर होगी? यस कुछ हम लोग मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी? मतलब बाकी वाज डैम गुड, अमेजिंग मूवी, एक्शन बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत लास्ट में ज्यादा खींच दिया है, बट यार बहुत अच्छी मूवी, एक्शन इज टू गुड, और स्टोरी बहुत अच्छी है, एंगेजिंग स्टोरी है। आपको फर्स्ट अब तो ऐसे निकल जाएगा मालूम नहीं चलेगा आपको। अब जिसको जिसको एक्शन पसंद है वो देखने गए, देखना एंड तक रुकना। विलेन इज लाइक समवन लीस्ट एक्सपेक्टेड, जो इतने टाइम से मूवी में आया ही नहीं। सबसे बड़ा मैच है सब, वो बैठे देना चालू। अच्छा यहाँ IPL हो रहा है, ये देखो ये
ये एरिया है। चलो मैं जा रहा हूँ बट हाँ मैं जाऊंगा, प्रतीक जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, अच्छा कल नहीं जाऊंगा, और मैच में जाऊंगा। ओके गाइस, तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं मम्मी के पास, मम्मी को कुछ पता नहीं है। मम्मी हम लोग रुकने आ गए एक महीने के लिए, कम से कम एक महीने के लिए आए हैं, कम से कम। अच्छा, मैंने कपड़े क्या हाल है, कपड़े नहीं चेंज किए, अच्छी लग रही हो आज, हिमांशी लाइक आज हिमांशी ब्लैक प्लीज, सो कंफर्टेबल खराब आप जो कह रही थी ना कि मैं आ रही हूँ, तो मैंने कहा वृद्धि घर चलो घर चलो, कहते कहाँ घर चलो, अपने घर, मैंने कहा नहीं महानगर। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग ये भोला देख के आई ना, इसमें काफी एनर्जी आ गई है, लोगों स्टॉकिंग भोला बोले चिल्लाते आ रहे हैं। सो गाइस ये देखो मम्मी एक सीक्रेट है, मैं बताऊंगी नहीं, बट मम्मी एक सीक्रेट चीज कर रही है, अगर मैं सक्सेसफुल हुई तब मैं बताऊंगी, ठीक है ऑडियंस को। यू विल बी एबल टू डू, वी ऑल आर विथ यू, सेंड ऑल द गुड लक्स टू माई मदर। गुड लक्स क्या होता है, गुड लक, गुड विशेस, यस। अरे हाय पॉपसी, कैसा था सरप्राइज, ये क्या लेके आ रहे हैं आप लाल लाल बैग में, ये लाल लाल बैग में मेरे बच्चे की टी शर्ट होगी, बहुत टी शर्ट, हाँ भाई पहनेंगे आज जाके, अच्छा नहीं आज नहीं पहनूंगा, अच्छा रोज शॉप पे नई नई टी शर्ट आ रही है, रोज मैं एक ले आता हूँ वाला, देख लीजिए मैं इसको मिला के पूरी 18 टी शर्ट मैंने अपने लिए ली है, अगर मैं जो मैं पहनूंगा वो बिकेगी, जो बिकेगा वो बिकेगा, खुद ही पूरा स्टॉक पहन लेंगे और स्टॉक नहीं। हम लोग अब घर जा रहे हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छा और लाइट वेट, हम लोग फिर जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, अब आइसक्रीम लेंगे, लास्ट चीज बची है, मैं नहीं खाऊंगी, प्रतीक खाएगा, उसके में से एक बाइट लेंगे, कंट्रोल करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ेंगे, फिगर अच्छा होएगा तो आप लोग भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं लाइफ में। गाइज आई एम बैक, अच्छा लग रहा है, हम लोगों ने बहुत लाइट खाना खाया और हम लोगों ने आइसक्रीम भी नहीं खाई, मैंने कहा मैं रेजिस्ट करूंगी, देन प्रतीक ऑल्सो सेड कि मैं भी नहीं खाऊंगा, सो यस वन स्टेप टूवर्ड्स गुड डिसिप्लिन लाइफ, टच वुड। और ये है मूर्ति जो हम लोगों को मिली थी जब ऋषि हिमांशी का गृह प्रवेश हुआ था, सत्यनारायण लक्ष्मी जी की मतलब पोर्ट्रेट दिया है तो। बट गाइस मुझे अभी याद आया कि हम लोग ये नहीं लगा सकते रूम में, तो मैं इसको अपने स्टूडियो रूम में कल लगाऊंगी, क्योंकि रूम में लगाना शायद भगवान की मूर्ति नहीं लगाई जाती है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, इधर प्रतीक अपने गाने गा रहे हैं, उधर नीचे मम्मी अपने गाने गा रही है। गाइस इससे पहले कि मैं व्लॉग एंड करूं, मैं अभी आप लोगों को एक दो चीज़ें बताना चाहती हूँ। फर्स्टली दैट इस मंथ को मैं 2 times ट्रैवल कर रही हूँ, सो बने रहना, बहुत सारे अमेजिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। एंड सेकेंडली मैं आपको अपनी फेवरेट लिपस्टिक्स दिखाऊंगी, जो आप लोगों से बहुत लोग पूछते भी हो कि जब भी आप एथनिक वेयर पहनते हो या वेस्टर्न वेयर पहनते हो तो मैं कौन सी लिपस्टिक लगाती हूँ। सो आई एम गोना टेल यू, एंड दीज आर ऑल द पार्सल्स जो मैंने मंगवाए हैं अपने अभी ट्रैवलिंग के लिए, जहाँ पर मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। सो अभी मैंने फेस पे 0 मेकअप किया है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि इसका एक्चुअल क्या शेड है। सो ये मैंने अभी लिया है फ्रॉम मेबलिन, विच इज़ सुपर स्टे मैट इंक, एंड इट इज़ इन द शेड 125 इंस्पायर। ये मैंने गोवा में, अभी जब रिसेंटली मैं फ्रेंड्स के साथ गोवा गई थी, मैंने यही लिपस्टिक लगाया था ऑलमोस्ट डे लाइट ओकेजन में, या डे लाइट में घूमने जा रही थी, तो ये लिपस्टिक बहुत ही अमेजिंग था।
सो देख सकते हो आप, बाकी सारे पिंक्स होते हैं बहुत फनी लगते हैं, बट मुझे ये पिंक स्पेसिफिकली इंडियन टोन के अकॉर्डिंग, अगर मैं थोड़ा सा और फाउंडेशन वगैरह लगा लूँ या सिर्फ कंसीलर ही लगा लूँ, ये शेड मुझे अच्छा लगता है मेरे स्किन टोन पे। बहुत ही डिफरेंट और वाइब्रेंट लुक देता है, स्पेशली अगर मैं वेस्टर्न वेयर को बहुत प्रॉपरली स्टाइल करूँ इस लिपस्टिक के साथ, तो ये बहुत अमेजिंग लगेगा। जो दूसरा लिप शेड है वो ये वाला है, मतलब इस मेरी मोस्टली इसी में ही पिक्चर्स आती हैं। दिस इज 121 आई चूज फ्रॉम लॉरियल पेरिस। मतलब ये ही एक ब्रोता लिपस्टिक है जो मैंने आज तक पूरा फिनिश किया है। आई डोंट नो कि मेरा थोड़ा बहुत वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है, मेरा थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन में आता है, तो ये मेरे स्किन टोन से ऐसे ही मैच हो जाती है विदाउट एनी मेकअप। अगर मैं इसको लगाऊं और लिटिल बिट ऑफ कंसीलर ऐड कर दूं, पता ही नहीं चलेगा। इट गोज सो वेल, इट ब्लेंड सो वेल विथ माई कॉम्प्लेक्शन। लेट मी शो यू। तो आप देख सकते हो, मतलब लिटरली मैंने अभी इस टाइम पे कोई मेकअप नहीं किया है, बट स्टिल इट इज ब्लेंडिंग सो गुड। एंड ये लॉन्ग लास्टिंग काइंड ऑफ है, मतलब अगर मैं अपनी लिपस्टिक को खाऊ नहीं तो इट स्टेज ऑन माई लिप्स। सो नेक्स्ट लिपस्टिक इज, दिस इज नॉट द लिक्विड लिपस्टिक, ये स्टिक वाली लिपस्टिक है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम स्मैश बॉक्स, मैंने अपनी शादी के टाइम लिया था, एंड इसका शेड भी बहुत ही प्यारा है। इट इज लाइक जो मैंने पहला वर्जन दिखाया था उसका शायद ये नॉन लिक्विड वर्जन है, तो ये भी मैं दिखाती हूँ अप्लाई करके। This is like coral color, मतलब coral color है, और shade is in Fresca shade लिखा हुआ है, and बहुत ही cream and buttery based है, you can see, but ये color मेरे skin tone पे again बहुत अच्छा match कर रहा है। So last is this again from Sephora, now ये थोड़ा brown tone पे है, and मैंने इसको इतना नहीं लगाया जब मैं जैसे white outfit पहनती हूँ, and जब भी मैं थोड़े से bright outfits पहनती हूँ तो मैं थोड़ा nude look देने के लिए I apply this, but this is also very good, and ये बहुत long lasting भी है। This is again by Sephora, let me show you. सो ये पूरा बैलेंस आउट कर देता है मेरे आउटफिट को। सपोज अभी मैंने बहुत ब्राइट आउटफिट पहना है, मुझे कोई न्यूट्रल कलर चाहिए, सो आई विल गो विद दिस काइंड ऑफ अ शेड। ये बिना मेकअप, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप भी ना हो तो भी अच्छा लगता है। ऑल्सो मुझे लिक्विड लिपस्टिक ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज आई फील कि वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, अलॉन्ग विद द शेड। एंड ये कौन सा लिपस्टिक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, सो आप फाइंड आउट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, नायका पे मिल सकता है, या फिर आप सेफोरा पे चले जाओ, नायका ब्यूटी पे चले जाओ। एंड यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, एंड मैं बाकी के ट्रैवल पार्सल्स ओपन करती हूँ, एंड अब आप मेरे को वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम या मेरे वीडियोज़ में देखना जब मैं उनको स्टाइल करूँगी। आई एम प्रीटी एक्साइटेड, आई होप मेरे सारे पार्सल्स अच्छे आए हो। सो आई एंड द वीडियो है, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई कीप कम बैक मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। बाय पीपल।